पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूमधाम शुरू हो चुकी है और हम आपको दिखाने आ गए हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इको फ्रेंडली दुर्गा पूजा। और जहां पर मैं इस वक्त हूं, ये पूजा का पंडाल है, मंडप है, लेकिन देख के आपको लगेगा मैं जंगल के बीचों बीच खड़ा हूं। दरअसल ये जंगल जैसा ही बनाया गया है, लेकिन आर्टिफिशियल तौर पर झोपड़ी बनाई गई है आदिवासियों की, और आदिवासियों के पुतले खड़े किए गए हैं, और इसे बनाने में लगभग 6 महीने का वक्त लगा है। ये घास फूस पतवार यहाँ पर उगाई गई है, कहीं से लाई नहीं गई है। और जो पूजा पूरा का पूरा जो पंडाल है, ये जो जिन चीजों से बनाया गया है, वो भी ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं। प्लास्टिक वगैरह किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बांस का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, खर का इस्तेमाल किया गया है, पतवार का इस्तेमाल किया गया है, खोखले का इस्तेमाल किया गया है, पत्तों का इस्तेमाल किया गया है, और इन्हीं सारी चीजों से इस दुर्गा पूजा पंडाल को, ये विशालकाय दुर्गा पूजा पंडाल जो आप देख रहे हैं, इसे बनाया गया है। और ये थीम जो है, ये थीम भी प्रकृति से जुड़ी हुई है। जिस तरह से आदिवासी और जंगल लुप्त होते जा रहे हैं, उसी को दिखाया गया है, और कल्पना के आधार पर बताया गया है कि किस तरह से लैटिन अमेरिकी एक गांव जो लुप्त प्राय होता जा रहा है आदिवासियों का, वहां पर एक बंगाली पर्यटक पहुंचता है, बताता है कि दुर्गा की अगर पूजा की जाए तो वो लुप्त प्राय जो हो रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिलेगी, लुप्त नहीं होंगे, वो दुर्गा की पूजा करना शुरू कर रहे हैं। उसी को पूरे तौर पर यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो मंडप आप देख रहे हैं, ये भी विशालकाय मंडप है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली चीजों से बना हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया था। जब पहले दिन वो उद्घाटन करना शुरू की थी, उन्होंने इसी से शुरुआत की थी। सॉल्ट लेक के FD ब्लॉक में काफी बड़े आकार में इसे जगह पर बनाया गया है। इको फ्रेंडली पूजा इसे कहा जा रहा है, और पूरी तरह से इको फ्रेंडली पूजा जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, उसी को दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। कैमरामैन तापस वेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक कोलकाता।